कोर्ट ने यूपी के बरेली में साल 2010 में हुए दंगे का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को माना है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ समन जारी कर दिया। उन्हें 11 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। इस मामले में कोर्ट ने तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी तलख टिप्पणी की। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक आदेश की कॉपी भेजी है। कोर्ट ने बरेली दंगों का खुद संज्ञान लिया था। बता दें, मार्च 2010 में आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण दिया था। उनके भाषण से उत्तेजित होकर समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस चौकी समेत कई जगह आगजनी की थी। इस दौरान 27 दिनों तक बरेली में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन एडीजी, आईजी, एसएसपी, कमिश्नर और डीएम के खिलाफ भी टिप्पणी की। कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस आदेश की कॉपी भेजी है। मौलाना तौकीर रजा आए दिन अपने विवादित भाषणों के कारण चर्चा में रहते हैं। उनके भड़काऊ भाषण के कारण साल 2010 में बरेली में दंगे भड़के थे। शहर में जमकर लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई थी। दंगा रोकने के लिए शहर में 27 दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। डीजीएस सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा पर 2010 में दंगे कराने का आरोप है। उन्होंने बताया कि रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस मामले को संज्ञान लेकर फाइल को देखने के बाद तौकीर रजा को तलब किया है। उन्हें समन देकर 11 मार्च को पेश होने को कहा गया। 319 में तथ्यों में मौलाना तौकीर रजा को मुख्य अभियुक्त माना गया है। ये मामला सन 2010 का है, जो कि वर्तमान में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम बरेली श्री रवि कुमार दिवाकर जी के न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें आज माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय ने सो मोटो संज्ञान लेकर के इस दंगे के मामले में साक्ष्य का प्रसीलन करते हुए, पत्रावली का प्रसीलन करते हुए तौकीर रजा को तलब किया है और उनके विरुद्ध समय 11 तारीख उनको उपस्थित होने के लिए नियत की गई है। क्या कहा है आदेश में? माननीय न्यायालय ने 319 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईएमसी के इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां को इसमें मुख्य अभियुक्त मानते हुए इनको धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153 ए, 295, 397, 398 सबडे धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 7 सीएल एक्ट तथा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में तलब किया है। बता दें, मौलाना तौकीर रजा आए दिनों अपने विवादित भाषणों के कारण चर्चा में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। फिर उसके बाद 9 फरवरी शुक्रवार को दोपहर में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सड़क पर उतर गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी और इस दौरान समर्थकों ने सरकार विरोधी नारेबाजी और जमकर हंगामा भी किया था। हालांकि मौलाना तौकीर और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी। फिलहाल जिला प्रशासन ने मामले को किसी तरह शांत करा दिया और उनको वापस भी भेज दिया था।